वैसे तो बॉलीवुड के भाईजान बहुत ही मास अपील वाली एक्टिंग करते हैं, उनका मेथड एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी अपनी फिल्मों में इम्प्रोवाइज कर देते हैं सीन्स को। इम्प्रोवाइजेशन एक तरह की एक्टिक्स होती है जहाँ पर एक्टर रिहर्सल में जो भी सीन किए गए हैं या जो भी स्क्रिप्ट में लाइन लिखी हुई है उससे बाहर जाकर कुछ ऐसा करता है जिससे सीन थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। कई बार ये मूवी को बहुत अच्छे से इंटरेस्ट कर देता है और कई बार को एक्टर को तंग कर देता है, बिकॉज को एक्टर तो उसी लाइन को पढ़कर आए होते हैं जो स्क्रिप्ट का पार्ट होती है। लेकिन सलमान खान की मेथड एक्टिंग की वजह से एक हीरोइन थी जो बहुत परेशान हो गई थी। किस्सा है हम आपके यहाँ कौन की शूटिंग का, और उन एक्ट्रेस का नाम है हिमानी शिवपुरी। हिमानी शिवपुरी थिएटर बैकग्राउंड से आती हैं और उनको रिहर्सल करने की हैबिट है, वो जब भी अपने सीन्स को पढ़ती हैं याद कर लेती हैं। लेकिन जब पहली बार राजश्री की मूवी में काम कर रही थी तब उनको आइडिया नहीं था कि एक सीन जहां पर ऐसा आएगा जहां सलमान खान के साथ उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक होनी थी, लेकिन सलमान खान के इम्प्रोवाइज करने की वजह से उनको आज भी लगता है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उनके लिए पूरा मैटर। तो क्या सारा माजरा, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली सलमान खान का उनके साथ एक सीन था जहाँ पर वो एंट्री करती हैं, सलमान खान आते हैं और बोलते हैं चाची जान, और उसके बाद तुरंत उसको गोद पे उठा लेते हैं। हालांकि कहानी में गोद में उठाने वाली बात मेंशन नहीं थी, लेकिन सलमान खान ने इम्प्रोवाइज करके गोद में उठा लिया जिससे वो भौचक्की रह गई, बिकॉज उनको कभी भी इस तरह की उम्मीद सलमान खान से नहीं थी। बाद में सलमान खान ने बताया कि उन्होंने सीन को इम्प्रोवाइज किया है ताकि कैरेक्टर्स के बीच की जो बॉन्डिंग है, चुगलबंदी है, वो थोड़ी सी अच्छी लगे। हालांकि बाद में बड़ियात्ता को भी सीन पसंद आया, बड़ियात्ता ने उस सीन को आगे कैरी ऑन किया। तब तक हिमानी शिवपुरी समझ चुकी थी सलमान खान बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, और उनके मुताबिक अनुपम खेर सलमान खान दोनों पूरी कास्ट को परेशान करते थे। उसके बाद मूवी में एक सीन और आता है जहां पर रेड का सहारे और मोहनीश बैल पेरेंट बनते हैं, तब खुशी जताने के चक्कर में सलमान खान उनको गोद में उठा लेते हैं। इस बार सलमान खान की हरकत से वो वाकिफ थी, और जब उन्होंने ये सीन किया तब हिमानी शिवपुरी का जो मेंटल स्टेज है वो तैयार था इस बात के लिए कि यहाँ पर सीन इम्प्रोवाइज होगा। बहरहाल हिमानी कहती है मूवी के सेट बहुत ही क्लीन था, बहुत ही कोजी था, वहाँ पर डम्स राज गेम खेलते थे, सब पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले रहते थे, और उनको फिल्मों से कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन राजश्री की फिल्मों की एक तरह की वैल्यू होती है, संस्कार होते हैं, इसलिए उन्होंने इस मूवी में काम कर लिया। हालांकि जब मूवी रिलीज हुई तब बहुत ज़्यादा सोच नहीं मिले और मूवी लगभग फ्लॉप की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बाद में मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग हो गया और छोटे छोटे शहरों में मूवी के प्रिंट लगाए गए। उसके बाद हिमानी शिवपुरी भी स्टार बन गई और बाद में राजश्री के लगभग हर मूवी में उन्होंने काम किया। हालांकि मूवी को रिलीज हुए बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन हिमानी शिवपुरी जब भी उस घटना को याद करती हैं सलमान खान की प्रैंकस्टर इमेज और इम्प्रोवाइज करने का तरीका याद आता है, जिसको आज तो वो मुस्कुराकर याद करती हैं, लेकिन उस वक्त उनको बहुत गुस्सा आया था। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।